आज से 7 साल पहले मैं मजदूरी का काम करता था और आज मैं पीपल फार्म में जानवरों की मदद कर रहा हूँ। मेरा नाम साहिल सैनी है और मैं पीपल फार्म में पैराबेट हूँ और एनिमल को रेस्क्यू करता हूँ। जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ तो साहिल के भरोसे यहाँ का सारा काम स्मूथली हो जाता है। डीप क्लीनिंग भी कर लेता है, चाहे लॉग्स में एंट्री हो हमारी जो कि एडमिन का काम है, सब कुछ अच्छे से कर लेता है वो। जब 7 साल पहले पीपल फार्म का काम शुरू हो रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे काम करने आ गया था। जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जख्मी जानवरों को ठीक किया जाता है, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी एनिमल के लिए कुछ करूँ और मैंने फिर एनिमल को हैंडल करना शुरू कर दिया। एनिमल को हैंडल करते करते मैंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना तो सीख लिया था, फिर रोमी सर मुझे दिल्ली ले गए, वहाँ जाके मैंने सर्जरी करना भी सीख लिया। उसकी ट्रीटमेंट परफेक्ट है और वो बहुत डेडिकेटेड है। साहिल को किसी से डर नहीं लगता है, चाहे बबूल हो या मंकी हो। आज तक हमने लगभग 3000 के आसपास एनिमल को रेस्क्यू किया है। कुछ रेस्क्यू आसान होते हैं और कुछ बहुत ही मुश्किल। अपनी तो टेंशन नहीं होती, पर रेस्क्यू करते टाइम किसी दूसरे को लग ना जाए, इसकी बड़ी टेंशन रहती है। इसलिए हम ज़्यादातर मॉर्निंग में जाते हैं रेस्क्यू करने या फिर रात को जाते हैं। अच्छा काम कर रहा है वो। रात को 12 बजे फ़ोन आए, 1 बजे आए, तभी भाभी जाना सुनने में अच्छा लगता है। पीपल फार्म सिर्फ मेरे लिए काम करने की जगह नहीं है, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी बनाए हैं और ये अभी मेरे को परिवार जैसा लगता है। 7 साल पहले साहिल ने हमारे साथ एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया और 6 साल पहले उसको अपने जीवन की दिशा बदलने का एक मौका मिला। पहले मेरे को गाय से ज्यादा लगाव था क्योंकि मेरे घर पे बचपन से ही गाय थी। एनिमल के साथ काम करते करते मुझे सभी एनिमल के साथ लगाव हो गया। तो अभी इधर एक छोटा सा मेरा घर बनने वाला है, तो उसके लिए ये पत्थर आ गए, तो नेक्स्ट वीक से काम स्टार्ट हो जाएगा। अब जीवन में हमें क्या मौके मिलते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, पर उन मौकों के साथ हम क्या करते हैं ये बिल्कुल हमारे हाथ में है।